कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज मैं बनाने वाला हूं अपनी आखिरी वीडियो 2019 की। मैं आपको सुनाने वाला हूं अपनी कहानी। जी हां, मेरी कहानी, एक कॉमन मैन की कहानी। मेरी सारी दुख तकलीफें जो जो मैंने सही है और मैंने उनसे क्या शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ा हूं। मैं आपको अपनी स्टोरी के साथ ये भी बताता जाऊंगा कि मैंने कहां पे क्या चीजें सीखी जिंदगी से और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश की, क्योंकि मेरी कहानी आपकी कहानी भी हो सकती है। किसी के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है, किसी को मैं इंस्पायर भी कर सकता हूँ इस स्टोरी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे 130 से प्लस मेरे वीडियोस हैं जो कि शेफ लोगों से ही रिलेटेड है। जब मैंने ये चैनल बनाया तो मैंने भी कुछ कुकिंग वीडियोस डाली। मुझे लगा कि नहीं यार, शेफ का काम सिर्फ खाना बनाना ही है, पर कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे अपना ट्रैक बदलना पड़ेगा। खाना बनने के बाद लोग खा के वाह वाह ही तो कर जाते हैं, पर एक्चुअल में जो शेफ है जिनको दिक्कतें और परेशानियां हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि भैया खाना बनाना बड़ा ही आसान काम है, ये सारी चीजें एड्रेस करने के लिए मैंने चैनल बनाया। और जो भी होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वारीज होती हैं बच्चों की, या आप लोगों की कोई दिक्कत होती है, आपको विदेश जाना ही है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मेरी सारी वीडियोज में मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपके कभी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पे या मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके छोड़ सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि हाँ जरूरी है इस टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियो जरूर बनाता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मेरी कहानी की। हम लोग चार भाई बहन थे, हम लोग दिल्ली में रहते थे। मेरे पापा अपनी पढ़ाई के बाद, मेरे ख्याल से पापा ने आठवीं ही पढ़ी होगी जितना मुझे ध्यान है, उसके बाद दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में वही मजदूरी करते थे, रहते थे। पर जब पापा रिटायर हुए मेरे पापा 2000 में, तो उस टाइम पापा मेरे इंडियन एयरलाइंस में जॉब करते थे एज अ कुक। पापा काम करते थे और पापा ने लगभग 30 साल इंडियन एयरलाइंस में काम किया है। तो परिवार की वही हालत नॉर्मल थी, कोई ज़्यादा हम लोग अच्छे परिवार से नहीं थे। हम लोग चार भाई बहन थे, बाकी गांव वाले भी आके हम लोगों के साथ रहते थे। तो काफ़ी मतलब कि बड़ा परिवार हम लोगों का आप लोग कह सकते हो। तो ना ही हम लोगों के पास इतने इनकम ऑफ सोर्स था कि हम लोग कुछ अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो मैंने अपनी 10th पास करी एक सरकारी स्कूल से। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहिए, मुझे आर्ट्स नहीं लेनी है। तो मैंने एक दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। फिर वही जो मेरे सारे हिंदी के सब्जेक्ट थे सब कुछ इंग्लिश में हो गए। फिर वही दिक्कत होने लगी कि भैया लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। हिंदी जो अब तक हम लोगों ने इतने सालों तक हिंदी पढ़ी है, अचानक से हम लोग इंग्लिश में कैसे समझे, पर हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, धीरे धीरे मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी और मैं 12वीं में मैंने लगभग 50% से अपनी 12वीं पास करी। कोई ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे तो किसी कॉलेज में एडमिशन भी मिलना तो था ही नहीं, मुझे मालूम था। तो मैंने सोचा कि मैं CA करता हूँ, क्योंकि जब कोई उस टाइम पे हम लोग कॉमर्स ले रहे थे, दिमाग में ये होता कि भैया जो कॉमर्स ले रहा है उसको CA करना है, और जो आर्ट्स वाले लोग होते हैं वो लोग सबसे निकम्मे होते हैं। तो उस टाइम इस तरीके से मिथ था, जो मुझे अब लगता है मिथ था, क्योंकि उस टाइम मैंने जो दिक्कत परेशानी सही उस 2 सालों या 3 सालों के लिए, ट्यूशंस नहीं मिलते थे हम लोगों को, पैसे नहीं होते थे, ट्यूशन्स कहाँ से मिलेंगे, ट्यूशन्स इतने दूर होते थे कि मैं महिपालपुर में रहता था, बसंत विहार जाना पड़ता था। 2-3 घंटे तो बसेस में आने जाने में लग जाते थे आपको, फिर घंटे घंटे के पैसे देने, हफ्ते में 3 बार ट्यूशन, तो काफ़ी दिक्कत परेशानी होती थी। तो मुझे लगता था यार इससे अच्छा तो आर्ट्स ले लेते थे तो ज़्यादा अच्छा था, पर था कि मन में हाँ भाई कुछ करना है, तभी हार नहीं मानी थी। तो ऐसे करते मैंने एडमिशन ले लिया, पर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मैं गलत चुन रहा हूँ, क्योंकि CA बनने के लिए मुझे कई साल लग जाएंगे, 7-8 साल लग जाएंगे, और 7-8 साल तक मेरा खर्चा कौन उठाएगा। पापा भी उस टाइम तक रिटायर हो चुके थे, मेरे पापा भी रिटायर हो चुके थे 2000 में। तो यही था कि अब करना क्या है। तो ऐसे ही मैं लोगों से मिलता, बातें करता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग थी नहीं। मेरा खाना बनाने में, खाना खाने में बड़ा शौक था, पापा भी सेम कुकिंग फील्ड से थे, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता था कि मुझे किस प्रकार से अपने बच्चे को सेम इस लाइन में डालना है, तो उसको कोई डिग्री करना है, डिप्लोमा करना है। तो कोई भी कैरियर गाइडेंस नहीं थी, ना रिलेटिव्स की को कुछ मालूम होता था, ना कि फ्रेंड्स को मालूम होता। तो ऐसे एक बार मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, मेरे भाई का फ्रेंड आया, मैंने सोचा भैया आप क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताज होटल से। मैंने बोला मुझे भी शौक है, मुझे भी आप बता दीजिए कैसे होता है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे आइडिया दी कि भैया ITI है, अरब की सराय, आप लोग वहाँ जाइए, आप लोग को वहाँ फॉर्म मिलेंगे, आप वो फॉर्म भरिए, और जितने भी आप होटल्स में जाना चाहते हैं आप लोग वहाँ दे सकते हैं। वहाँ के HR वाले आपको बुलाएंगे और आपको इंटरव्यू देना होगा, अगर पास हो गए तो आपको ट्रेनिंग्स पे रख लेंगे 3 साल के लिए। मैं भी वहाँ गया, क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूट था, उन्होंने फॉर्म्स दे दिए 10-10 रुपये के। मैं भी 15-16 फॉर्म्स ले आया, और जितने भी आसपास मेरे होटल्स थे, फ्लाइट किचन थे, मैंने कहा फ्लाइट किचन पास था घर के, तो मैंने कहा यहाँ भी दे देता हूँ। मैंने तीनों फ्लाइट किचन ताज ओबराय अम्बेसडर में दे दिया।
अब किसी होटल से तो आना नहीं था क्योंकि इतनी दूर मैं जाके रोज पता भी नहीं कर सकता, पर जो मेरे घर के पास था अम्बेसडर, मैं वहां पर वीक जाता था मंडे को, मैं पता करता था कि भैया मैंने जो फॉर्म दिए थे उसका क्या हुआ। तो एक दिन मैं गया, उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट डे आ जाइए, इंटरव्यू होंगे। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे जाके इंटरव्यू देना चाहिए, मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया। वही क्वेश्चन, आप कुकिंग लाइन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वही 100 मार्क्स के कितनी पॉपुलेशन है हमारी, हमारी भाषा, ये वो जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। मैं उसमें अच्छे मेरे मार्क्स आए और मैं पास हो गया। तो वहां पे मेरी जो पढ़ाई लिखाई काम आई, क्योंकि उस टाइम जो ये अप्रेंटिसशिप होता कोई करता नहीं था, कोई करने वाला मिलता नहीं था, बेसिकली हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट से कोई करना नहीं चाहता था। तो मैंने, उन्होंने मुझे रख लिया 3 साल के लिए। वही वहां में 12 से 15 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती, हमें स्टाइफन मिलता था 800 फर्स्ट ईयर 700 फर्स्ट ईयर में, 800 और 900 कुछ हमें थर्ड ईयर में मिलता था। तो वहाँ 12-12, 13-13 घंटे ड्यूटी करना पड़ता, फिर वीक में 2 बार हमें पूसा जाना पड़ता था हमारी थ्योरी क्लासेस के लिए। तो 3 साल वहां निकल गए, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आने लगे कि कुकिंग लाइन क्या है। उस टाइम तब भी लगता था कि नहीं यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो और मुझे लगता था कि मुझे कहीं और से करना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम लोगों के दिमाग में मिथ था जो कि फ्लाइट किचन से अगर किसी ने ट्रेनिंग्स करी या कुछ कराए तो उनको कहीं और दूसरी जगह जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम होटल्स और हमारे इतने ज़्यादा होते भी नहीं थे हमारे इंडिया में। हम लोग दिल्ली में थे तो दिल्ली की बात कर लीजिए। मैं पास हो गया, फिर 2-3 महीने बीत गए, मेरी ट्रेनिंग्स खत्म हो गई 3 साल के बाद। तो फिर वही जॉब की कोई जान पहचान नहीं थी, तो जॉब मिलना तो था ही नहीं कि मिलेगा। तो ऐसे ही मैं एक दोस्त से बात करते करते उसने मुझे बोला कि भैया आप उधर चले जाओ, एक क्लैरिस होटल दिल्ली में रीओपन हो रहा है, वो दोबारा से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, चलते होटल को रिनोवेट कर रहे हैं और आप वहां जाके मिल लो। मैंने कहा मैं तो किसी को जानता ही नहीं वहां। तो उन्होंने बोला कि आप वहां नाम ले देना सिक्योरिटी में जाके कि भैया मुझे रॉक शेफ से मिलना है और आपको वो अंदर जाने देंगे। तो मैंने कहा ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो मैं गया, मैं वहां पे सिक्योरिटी को बोला, उन्होंने बोला किससे मिलना है आपको। तो मैंने कहा मुझे रॉक शेफ से मिलना है, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया, मैं वहां शेफ से मिला। मैंने कहा शेफ मैं ऐसे ऐसे आया हूं, मुझे पता नहीं, मुझे जॉब की जरूरत है। तो उन्होंने बोला आप मुझे ट्रायल के लिए आ जाओ दूसरे दिन। तो मैं ट्रायल देने गया। अब फ्लाइट किचन में तो हम लोगों ने सीखा है फॉइल में खाना लगाना, अब यहाँ में ट्रायल में क्या दूँ। तो रात भर में वही सोचता गया, ड्रॉ करता गया कि भैया मुझे यहाँ पे चिकन रखना है, यहाँ पे आलू रखना है, इस तरीके से रखना है। एक प्लेट में ये होता है जो कि मैं आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। तो वहाँ ट्रायल पास हो गया, मैंने लगभग वहाँ 1 साल काम किया। फिर मेरे सोशल लिंक्स मैंने बनाने शुरू करे, मैंने लोगों से बात करना शुरू करी। तो धीरे धीरे पता चला कि भैया क्या किस तरीके से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जाता है। उसके एक लगभग 1 साल के बाद मैंने आपका पार्क रॉयल नेहरू प्लेस वाला ज्वाइन किया, मैंने 1 साल वहाँ काम किया। तब भी मन में था कि कुछ इंप्रूव करना है, तब तक मुझे समझ आने लग गया कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है और अपने टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव करने हैं। जी हाँ, जो मैं आपको टेक्निकल और सोशल, और जब मैं आपको बोलता इन्वेस्ट करने के बाद, तो मैंने इंग्लिश की कोचिंग लेनी शुरू करी। अखबार में हमेशा मैं देखता था कि कहाँ पे जॉब आ रही है। तो मुझे एक कटिंग मिली जॉब की, जहाँ पे था कि भैया आप अगर शिप में जॉब करना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, आपका बीकाजी कामा प्लेस में, ये आपका आरके ब्रह्म के पास है, जो दरी से हैं उनको समझ आ गया वो बीकाजी कामा। तो मैं उस टाइम स्टार क्रूजेस के इंटरव्यू थे, मैं वहाँ जो फर्स्ट राउंड था, उन्होंने मेरी बातें सुनी, उनको लगा कि हाँ इन्होंने 5 स्टार होटल में भी काम करा है, इनको 2-2.5 साल काम हो गए। तो उन्होंने बोला कि हम लोग आपको एक दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जो कि बाहर से जो डेलीगेट्स होंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे सेंट्रल होटल में दिल्ली में, पर अगर आप उसमें पास हो जाते तो आपको शिफ्ट में जाने का मौका मिल सकता है। तो अब मुझे जो इंडियन वाले जो था मेरा, मैंने उनको इंटरव्यू दे दिया, लेकिन अब मैं बाहर जो फॉरेनर को मुझे डेलीगेट को देना, मुझे उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी, जो टेक्निकल्स थे मुझे बॉइलिंग पोस्टिंग ये तो सब कुछ मालूम था, सब कुछ अच्छे से रटा हुआ था, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ अपनी बेसिक, लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है अगर मुझसे पूछ ले व्हाट इज योर नेम, मुझे क्या करना है। तो मैंने एक डायरी बनाई, मैंने सारे क्वेश्चन जो भी हो सकते थे, मैंने रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सहारा लिया, शीशे के आगे पूछता था मैं खुद से क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने ये सारी प्रिपरेशन कर ली और मैंने इंटरव्यू में पास हो गया। जी हाँ, और मैं इंटरव्यू पास हो गया। और उस टाइम जो मेरी सैलरी थी अराउंड 28 से 30 हज़ार थी, क्योंकि बहुत ही कम थी। जी हाँ, अगर उस टाइम भी शिपिंग लाइन में अच्छी मिलती थी, पर ये स्टार क्रूज में उस टाइम बहुत कम देते थे। तो 28 हज़ार कुछ सैलरी में उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। मेरा मैं सिंगापुर था मेरा जो पोर्ट था, तो मैं मोहल्ले में जो सबसे पहले था, हाँ उससे पहले, हाँ तो ये हो गया मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने वहाँ जॉब छोड़ दी अपनी नेहरू प्लेस में, मैंने वहां सबको पार्टी भी दे दी और अचानक से मुंबई में आ गई बाढ़। जी हाँ, बाढ़ आ गई। अब ये ध्यान आ गया मुझे, मुंबई में आ गई बाढ़ और पूरा ऑफिस बह गया वहां उनका, स्टार क्रूजेस वालों का।
तो ओशन डॉल्फिन जो मेरी एजेंसी थी, हाँ हो गया। और फिर कुछ कांटेक्ट ही नहीं, ना मैं उनको फ़ोन कर सकता ना उनका, तो मैं फिर से डर गया कि यार ये कहीं फेक एजेंसी तो नहीं थी। तो पर 1-1.5 महीने बाद जब सब कुछ वहाँ शांत हो गया, फिर वहाँ से कॉल आया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई थी और हमने अब दोबारा आपका रिक्रूटमेंट हो गया और आपको फिर से जाना है। तो उस टाइम लगा कि यार कहीं गलती तो नहीं होगी उस टाइम जॉब छोड़ के मेरे को, क्योंकि मैं कुछ 10 दिन 15 दिन अपने घर में रहना चाहता था। उसके बाद जब मैं गया और जब मैं पहला अपने मोहल्ले में था, जो कि मैं विदेश जा रहा था, मुझे अभी भी याद है इतने लोग मुझे वहाँ पे, जो मैंने रेंट पे गाड़ी ली थी एयरपोर्ट जाने के, इतने लोग इकट्ठा हो गए। मुझे उस टाइम इतना, मतलब कि आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना रोना है कि यार ऐसा होता है। फिर मैं सिंगापुर पहुंच गया, पुरानी यादें हैं यार, सोच के बड़ा अजीब लगता है। पूरे मोहल्ले में मैं सबसे पहला था जो कि मैं विदेश जा रहा था अपने लिए, और बहुत ही मुझे खुशी भी हो रही थी एक तरीके से, वो भी था कि यार मैं अपने देश को छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने सिंगापुर में ज्वाइन करा, पर 2 महीने बाद शिप वापस इंडिया में आ गई। जी हाँ, इंडिया में आ गई शिप, क्योंकि जो सबसे पहले जो शिप इंडिया में आई थी हमारी, वो सुपरस्टार लिब्रा थी, जो शिप इंडिया के लिए बनी थी। तो 2 महीने वहाँ ड्राई डॉक में थी शिप, शिप को उन्होंने वहाँ ठीक करा और उस पुरानी शिप को लेकर वो इंडिया में आ गए। अब जब हम लोग इंडिया में आ गए, तो हमें मुंबई में बाहर जाने का मौका मिलता था। तो वहाँ पे मुंबई में जो शिपिंग की सबसे ज़्यादा कंसल्टेंसी हमारी मुंबई में, तो हम लोग जो छुट्टी वाला टाइम होता था हमारे बीच का टाइम, वहाँ पे जाके हम लोग हमेशा इंटरव्यूज़ देते थे बाहर। और हमें पता लगने लग गया कि अब ये इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करना है, हमें आगे जाना है। मैंने वहाँ से रहते रहते लुईस क्रूज नाइल के इंटरव्यू दिया और मेरा वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया था कि इंटरव्यू में बेसिकली में क्या पूछा जाता है और आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यू के दौरान। मैं यहाँ से छुट्टी पे आया, फिर मैंने दूसरी जो अपनी लुईस क्रूज लाइन थी वो ज्वाइन कर ली। मैंने $850, जो अराउंड 50,000 से ऊपर होता था, वहाँ भी मैंने कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, वहाँ भी मेरा काफ़ी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। मैं वापस इंडिया आया छुट्टी पे और वहाँ से मेरे काफ़ी सारे दोस्त बन गए और मुझे नई नई एजेंसीज के बारे में पता चलने लग गया। तो हैदराबाद में हमारी बोमपत रिक्रूटर्स से, जो कि उस टाइम हमारे पुलमंत्र क्रूजेस के लिए रिक्रूट करते थे, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। वहाँ पे जर्मन से शेफ आए हुए थे, शेफ वुल्फगैंग, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे एज अ कॉमीवन सेलेक्ट कर लिया। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो उस टाइम मुझे $1,250 कुछ मिलते थे, जो कि 80-90,000 कुछ होते थे, जो कि काफ़ी अच्छा पैसा था। और मतलब कि 3 साल पहले मैं मात्र 5,000 रुपये कुछ कमा रहा था हूँ दिल्ली में, और मैं अब यहाँ वही 5,000 से मैं 30,000 रुपये हो गया, 30 से मैं 70, 70 से मैं 90,000 रुपये पहुँच गया। वहाँ मैंने काफ़ी मेहनत करी, वहाँ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और ऐसे करते करते मैंने अराउंड 9 साल शिप में बिता दिए। 9 साल कुछ बीत गए, यहाँ परिवार की हालत भी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी पैसा भी कमा लिया, क्योंकि शिप में आपका इतना पैसा लगता नहीं था। तो हम लोग दिल्ली में एक अच्छा घर भी बना लिया, हमने रोहिणी में अपना एक आराम से अपनी कोठी भी ले ली। जी हाँ, उस टाइम इतना कुछ महंगा नहीं था, 25-30 लाख में सब कुछ अच्छे से आ जाता था। और मैं भी, मेरे जब तक मेरे भाई की भी अच्छी जॉब लग गई थी जेट एयरवेज में, तो ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन फिर से मत था कि मन में कुछ करना है उसके, क्योंकि शिप में रह के आप लोग ऐसा कुछ कर नहीं सकते। आपको पैसा तो मिल रहा है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में कुछ और भी करना है, तो आपको फिर से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद फिर से मैं इंडिया में आ गया, फिर से शुरू करी एक छोटे से रेस्टोरेंट में नौकरी, क्योंकि तब तक मेरे सारे कनेक्शन ख़त्म हो गए थे, मैं किसी को भी जानता नहीं था। फिर मुझे पता चला कि रेस्टोरेंट्स में कितनी दिक्कत परेशानी होती है, हम लोग 2-2 महीने तक काम करते हैं, हमें सैलरीज नहीं मिलती है, ना यूनिफॉर्म्स होती है, आपको खाना अच्छा नहीं मिलता है। तो 2.5-3 महीने तक कुछ ऐसा चला, और उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर मैंने ज्वाइन करा, तब तक मेरे जो मैंने अपने फिर से अपने सोशल स्किल्स का सहारा लिया, मैंने अच्छे रिलेशंस बनाए लोगों के साथ, और मैंने ज्वाइन कर लिया हमारा गूगल गुड़गांव वाला। जी हाँ, मैं वहाँ पे शू शेफ मैंने ज्वाइन किया है। मैंने शिप में मैंने शेफ टोनाट मैंने लास्ट छोड़ा था, तो मैंने शू शेफ वहाँ ज्वाइन करा। मैंने 1.5 साल करा, मैं ही पूरा चलाता था। हमारे जो शेफ थे पहले, वो कुछ महीने बाद चले गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनके साथ, तो पूरे 1.5-2 साल मैंने ही चलाया पूरे उसको। हमारी जो टीम थी, हमें बेस्ट कलरी टीम का अवार्ड भी मिला था, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लोगों को भी सिखाया। उसके बाद फिर से था कि अब लाइफ यहाँ नहीं है, मुझे आगे क्या करना है। उसके बाद मैंने मसूरी में ज्वाइन करा, लोगों से कंसल्ट करा कि मुझे मसूरी जाना नहीं चाहिए, तो लोगों ने बोला नहीं मसूरी मत जाओ, क्योंकि मसूरी एक सिर्फ पीक सीजन के टाइम पे होता है, उसके बाद वहाँ जॉब नौकरियाँ चली जाती है। फिर मन में यही था कि भैया लोगों ने जो बोला है वो तो होता ही नहीं है, आपका मन जो कहता है आप वो कीजिए। मैंने अपने मन की सुनी और मैं चला गया। मैंने होटल को ओपन करा, मैंने लगभग एक साल से ज़्यादा मैंने चलाया, तब तक मेरा सिलेक्शन हो गया था कतर एयरवेज में। जी हाँ, कतर एयरवेज बहुत ही बड़ी कंपनी है। मैंने लगभग
2 साल मैंने कतर एयरवेज में काम किया, उसके बाद मैं छुट्टी पे आया, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, तो मैं वापस गया और मैं वहाँ से रिज़ाइन देके वापस आ गया, जो कि मेरी काफ़ी अच्छी सैलरी थी वहाँ पे, मैं चाहता था तो अपनी फैमिली को भी ले जा सकता था, पर मैं वापस आ गया क्योंकि मेरा मुझे मुझे लगा कि मुझे इंडिया में वापस आ जाना चाहिए। मैं इंडिया में वापस आया और मैं अभी भी किसी कंपनी में काम ही कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ रहने के लिए, पर यही मन में था कि भैया मैं आप लोगों को, मैं जिस स्टेजेस से मैं निकला हूँ, मैं लोगों को क्या सिखा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, तो मैंने ये माध्यम चुना है आप लोगों को बताने का। तो ये मेरी स्टोरी है, अगर तब भी मैं जब भी मैं ये कंपनी को छोड़ता हूँ, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैं प्रेजेंट में मैं कहाँ पे हूँ। इसके अलावा आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं स्टोरी को यहीं खत्म करूंगा। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आपके मन में आपके दिल में है कुछ करने की और आप लोग हमेशा अपने आप को सीखते हो इम्प्रूव करते हो, तो आप लोग हमेशा आगे जरूर बढ़ते हो। और साथ साथ जब मैं गूगल में था, मेरे कई सारे अच्छे कनेक्शंस बन गए, मैंने टीवी शोज भी करे उस टाइम पे, मैं फेमिना के लिखने लग गया, इंडियन रेलवेज, ICF हो गया, मसूरी टाइम्स के लिए मैंने काफी लंबे समय तक लिखा है, फेमिना हिंदी मैगजीन के लिए मैं लिखता था, रुपाइन मैगजीन के लिए मैं लिखता था। आप मेरे अगर फेसबुक में जाके देखेंगे तो मैंने काफ़ी सारी मेरी पोस्ट हैं, पर ज़्यादा मास मीडिया के साथ जुड़ने का माध्यम सिर्फ यूट्यूब ही है, तभी मैंने ये माध्यम अपनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आप मेरी स्टोरी से ज़रूर रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक कॉमन बंदा ही हूँ। तो चलिए यही खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि 2020 आप लोगों के लिए काफ़ी खुशियाँ लाए, आप अपनी लाइफ में जरूर आगे बढ़े, जो शेफ बनना चाहते हैं वो आगे शेफ बने, आगे बढ़े। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।